बागपत के इस स्कूल के बाहर पुलिस का जमावड़ा इसीलिए लगा है क्योंकि यहाँ बदमाशों ने की है जबरदस्त फायरिंग, जिसमें दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मामला सहारनपुर नेशनल हाईवे का है। बताते हैं कि यहाँ गेटवे इंटरनेशनल स्कूल के बाहर शुक्रवार की दोपहर करीब 1 बजे 4 बदमाश आए, जिन्हें स्कूल के बाहर से हटने को गार्ड ने कहा तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। जब गार्ड ने स्कूल संचालक अमित चौहान को जानकारी दी और वो बाहर आए तो बदमाशों ने उन पर भी गोली चला दी, जिसमें अमित के अलावा एक और शख्स घायल हो गया। आज करीब 1 बजे की घटना है थाना क्षेत्र बागपत में, यहाँ से थाना क्षेत्र में कुछ बदमाशों के द्वारा फायरिंग करने सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें दो लोगों को छर्रे लगे थे, घायल हुए थे। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस के द्वारा बदमाशों का पीछा किया गया। बदमाश सामने नीरोजपुर रोड पर भागे, जहां पर एक भट्ठा था उसमें छुप गए। बदमाशों के द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गई। पुलिस के द्वारा आत्मरक्षार्थ फायरिंग की गई, जिसमें कि दो बदमाश घायल हुए हैं, दो बदमाश और थे जिनको 4 बदमाशों को मौके से पकड़ा गया है। उधर मामले की जानकारी बिना देर किए पुलिस टीम को दी गई तो बदमाश मौके से भाग निकले और एक ईंट भट्टे में जाकर छिप गए और खुद को बचाने के लिए पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसमें दो बदमाश अर्जुन और शाहरुख घायल हो गए, जबकि इनके दो बाकी साथियों को पुलिस ने दबोच लिया। आरोपियों के पास से पुलिस ने हथियार भी बरामद किए हैं। घायल बदमाशों की पहचान अर्जुन और शाहरुख के रूप में हुई है। इसके अतिरिक्त दीपक और तनुज दो अन्य बदमाशों को पकड़ा गया है। इनके पास से घटना में प्रयुक्त दो तमंचा बरामद हुआ है। अर्जुन की क्रिमिनल हिस्ट्री है। मुठभेड़ के दौरान हमारे एक सिपाही को भी चोट आई है, जिसका उपचार कराया जा रहा है। शीघ्र ही जो और इसमें एक दो अभियुक्त बचे हुए हैं, उनकी भी पहचान कराई जा रही है। अपेक्षित वैधानिक कार्रवाई एवं कठोर तक जो और कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी। पुलिस आरोपियों से अब पूछताछ कर रही है, क्योंकि स्कूल के बाहर फायरिंग क्यों की गई थी, इसकी वजह का खुलासा अब तक नहीं हो सका। पुलिस का दावा है कि सच्चाई जल्द सामने आ जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, नवदीप टुडे। खबरों की डोज नवदीप टुडे पर हर रोज।